हेलो स्टूडेंट्स माई सेल्फ डॉक्टर जयश्री डावरे असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी आज हम पढ़ेंगे बी एस सी पार्ट सेकेंड पेपर सेकेंड यूनिट फर्स्ट का टॉपिक थायराइड ग्लैंड थायराइड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है ये एक बाइलोब्ड ग्लैंड होती है जो नेक के लोअर पार्ट में ट्रैकिया के वेंट्रल साइड और लैरिंग्स के ठीक पीछे लोकेटेड होती है डायग्राम में हम इसकी लोकेशन देख सकते हैं थायराइड के दो लोब्स होते हैं ये थायराइड के दो लोब्स टिश्यू के नैरो ब्रिज द्वारा परस्पर जुड़े रहते हैं इस ब्रिज को इस्थ्यूमस कहते हैं ये ब्रिज पूरे ग्लैंड को लगभग एच शेप प्रदान करता है तो हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो किस शेप का हुआ एच शेप का यहाँ डायग्राम में हम इसकी नेक का डायग्राम दिखाया गया जहाँ पर हम इसकी पूरी लोकेशन देख सकते हैं क्लियरली स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड। हिस्टोलॉजिकली थायराइड क्यूबॉइडल एपिथीलियम द्वारा लाइंड एसीनाय या वेसाइकल्स की बनी होती है इन एसिनी की ल्यूमिन में एक प्रोटीनेशियस कोलाइडल सिक्रीशन भरा रहता है जिसे थायरोग्लोबुलिन कहते हैं यहाँ देखिए थायराइड का हिस्टोलॉजिकल टीएस स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है इसकी लाइनिंग किसकी बनी हुई है क्यूबॉइडल एपिथीलियम की और ये जो आपको वेसाइकल्स दिखाई दे रहे हैं इसको हमें ऐसे नहीं कहते हैं इसके अंदर भरा हुआ है थायरोग्लोबुलिन सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन टायरोसिन नामक अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं इसके सिंथेसिस को फॉलोइंग स्टेप्स के द्वारा समझा जा सकता है पूरे प्रोसेस को हमने काफ़ी स्टेप्स में बांट दिया है इन स्टेप्स को हम इजीली समझ सकते हैं सबसे पहले थायराइड की एसिनस सेल्स में ब्लड प्लाज्मा ब्लड प्लाज्मा से इनऑर्गेनिक आयोडाइड का एक्यूमिलेशन पिट्यूटरी ग्लैंड के थायरोट्रोपिक हार्मोन द्वारा एसिलेट होता है यानी कि पेट्री ग्लैंड के स्टिम्यूलेशन के बाद ब्लड प्लाज्मा से इनऑर्गेनिक आयोडाइड एसिनर सेल्स में एक्यूमुलेट होती है यह आयोडाइड एब्जॉर्ब होकर एंजाइमेटिकली ऑक्सीडाइज्ड होकर आयोडीन में चेंज हो जाती है सेकेंड स्टेप आता है अब आयोडाइड किस में चेंज हो गई है आयोडीन में आयोडीन अमीनो एसिड टायरोसिन से कंबाइन होकर मोनो और डाइ टायरोसिन बनाता है थर्ड स्टेप है ऑक्सीडेटिव कपलिंग या कंडेंसेशन। कंडेंसेशन द्वारा थायरोनाइन के डेरिवेटिव्स मोनो और डाईडोटाइरोसिन द्वारा बनते हैं एक मोनो और एक डाईआइडोटीन यूनिट्स कंबाइन होकर ट्राई आइडोथाइरोनाइन का मॉलिक्यूल बनाते हैं इसी तरह से दो दो, दो डाई आइडोटाइरोसिन यूनिट्स मिलकर टेट्राइडो था बनाते हैं जिसे हम भी कहते हैं ईयर 1919 में कैंडाल ने सर्वप्रथम थायरोक्सिन को क्रिस्टलाइज किया था यहाँ हम इनके कुछ स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ थायराइड हार्मोन एंड प्रिकर्सर कंपाउंड्स। जिनकी हम बात कर रहे हैं मोनो और डाइडोटाइरोसिन आगे चलते हैं थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन के स्टिम्यूलेशन और हाइड्रोलाइटिक प्रोटीज एंजाइम द्वारा थायरोग्लोबुलिन अपघटित होकर 80% परसेंट और 20% परसेंट ट्राइडो बनाता है जो ब्लड में पास हो जाते हैं प्रोटीज एंजाइम एसिनर सेल्स द्वारा सिक्रीट किया जाता है सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन कैसे होता है अब आगे देखते हैं ब्लड में ट्राई और टेट्रा आइडो थारोनाइन दो प्लाज्मा प्रोटीन्स कौन कौन सी हैं दो प्लाज्मा प्रोटीन्स थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन और प्री एल्ब्यूमिन के साथ ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं यह प्रोटीन इन हार्मोन्स के लिए स्पेसिफिक कैरियर एजेंट्स का काम करते हैं और प्लाज्मा की प्रोटीन बाउंड आयोडीन को रिप्रेजेंट करते हैं फाइनली ये सेल के अंदर एंटर होते हैं जहां फिफ्टी परसेंट थाइरॉक्सिन डी हेलोजिनेटिंग द्वारा ट्राइडोथाइरोनाइन और इनऑर्गेनिक आयोडाइड में डी हेलोजिनेट हो जाते हैं एंड रिटर्न बैक टू द दायरॉइड ग्लैंड और उन्हें वापस कहाँ भेज दिया जाता है थाइराइड ग्लैंड में ये दोनों ही हार्मोन्स ट्राई और आइडो थारोनाइन ये दोनों ही एंजाइम्स बहुत एक्टिव होते हैं परंतु ट्राई आइडोथायरोनाइन कंपेरेटिवली तीन से चार गुना ज़्यादा एक्टिव होता है फंक्शंस ऑफ द थायराइड हार्मोन ये थायराइड हार्मोन क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है बॉडी के अंदर ये बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होता है ये हार्मोन बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होता है साथ ही हेल्दी हेयर और स्किन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेल्स में ऑक्सीजन कंजम्पशन एनर्जी प्रोडक्शन और बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि बी को इंक्रीज करते हैं बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है थायरॉक्सिन ग्लूकोज एब्जॉर्बन को बढ़ाते हैं साथ ही ब्लड प्रेशर और पल्स रेट को भी इन्फ्लुएंस करता है ये नर्व एक्साइटेबिलिटी को कंट्रोल करते हैं एम्फीबियंस में तो मेटामॉर्फोसिस के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है थायरोक्सिन हार्मोन तो ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द थायराइड हार्मोन अब हम डिस्कस करेंगे कुछ एब्नॉर्मिलिटीज के बारे में ये एबनॉर्मेलिटीज किसी भी कारण से हो सकती है डिपेंड करती है डिग्री ऑफ डेफिशिएंसी और एज दोनों पर तो सबसे पहले हम लेंगे इसका हाइपोसिक्रेशन हाइपोसिक्रेशन मतलब इसकी मात्रा हमारे ब्लड में कम हो जाना अब हाइपोसिक्रीशन का इफेक्ट बच्चों और एडल्ट दोनों पर अलग अलग तरह से पड़ता है बच्चों में हाइपोसिक्रीशन की वजह से डिजीज हो जाती है जिसे हम बोलते हैं क्रिटेनिज्म इस डिजीज के सिम्टम्स हैं स्केल्टल डेवलपमेंट की एब्सेंस, यानी कि प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता है बच्चे का स्केल्ट्रल डेवलपमेंट की एब्सेंस में डिफॉर्म्ड बोन्स और स्टंटेड बॉडी ग्रोथ दूसरा इसका सिम्टम है नर्वस सिस्टम के सब नॉर्मल डेवलपमेंट की वजह से मेंटल डेफिशिएंसी हो जाना बच्चे में मेंटल डेफिशिएंसी हो जाती है ग्रोथ रुक जाती है मेंटल डेफिशिएंसी हो जाती है साथ ही साथ प्रोट्यूडिंग टंग हमेशा मुंह से लंबी लटकती हुई जीब और उसका पेट भी बढ़ जाता है पल्स रेट काफ़ी लो रहती है रेस्पिरेटरी रेट भी कम रहती है और साथ ही साथ बेसल मेटाबॉलिक रेट भी कम हो जाती है बच्चों में सेक्सुअल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है और सेकेंडरी सेक्सुअल एक्टिविटीज का रिटार्डेशन हो जाता है तो ये तो कुछ सिम्टम्स थे क्रिटेनिज्म के बच्चों के अंदर एडल्ट लाइफ में एडल्ट में हाइपोसिक्रेशन डिजीज कॉज करता है वो है मिक्सो एडिमा मिक्जो एडिमा के सिम्टम्स हैं मिक्जो एडिमा को हम गर्ल्स डिजीज भी कह सकते हैं इसके मेन सिम्टम्स हैं लोअर्ड बीएमआर बीएमआर मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट बॉडी टेम्परेचर भी काफी कम रहता है पल्स रेट भी इसमें काफी कम हो जाती है और व्यक्ति कफ और कोल्ड के प्रति बहुत अधिक सेंसिटिव हो जाता है इस डिजीज में स्किन काफी थिक और कोर्स और ड्राई हो जाती है और बाल भी बहुत अत्यधिक झड़ने लगते हैं व्यक्ति एनेमिक हो जाता है और उसकी फिजिकल और मेंटल रिएक्शंस स्लो हो जाती हैं इसके अलावा सेक्सुअल डेवलपमेंट रिटार्डेड होता है तो ये तो थे कुछ सिम्टम्स मिक्सो एडिमा या गर्ल्स डिजीज के एडल्ट्स में ये एक और डिजीज कॉज करता है वो है सिंपल गोइटर आपने सुना होगा इसका नाम इस डिजीज का नाम यह डिज़ीज़ डाइट में आयोडीन की कमी के कारण उत्पन्न होती है हमने टीवी में भी ऐड एड देखा है गहंगा जिस बीमारी को हम कहते हैं गहंगा के नाम से भी जानते हैं हिंदी में कि आयोडीन की कमी की वजह से गोइटर हो जाता है इस डिज़ीज़ में थायराइड ग्लैंड के पैथोलॉजिकल थायराइड ग्लैंड का पैथोलॉजिकल एनलार्जमेंट के कारण ये गले में स्वेलिंग के रूप में उभर आती है जिन बच्चों को गोइट जिन लोगों को गोइटर हो जाता है वहां पर उनके थायरोइड ग्लैंड का एनलाजमेंट हो जाता है और गले में यह उभार के रूप में दिखाई देता है ऐसा क्यों होता है ऐसा एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले थायरोट्रॉपिक हार्मोन द्वारा ग्लैंड के ओवर स्टिम्युलेशन के कारण होता है क्यों होता है ग्लैंड का ओवर स्टिमुलेशन होने के कारण यह डिजीज उत्पन्न होती है स्वेलिंग हो जाती है ग्लैंड का एनलाजमेंट हो जाता है नाउ दी हाइपर सिक्रेशन अति सिक्रेशन की से भी हमें कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं यह कंडीशन केवल एडल्ट्स में ही पाई जाती है जिसे हम थायरोटॉक्सिकोसिस भी कहते हैं हाइपर सिक्रीशन की प्रॉब्लम बच्चों में नहीं होती यह केवल एडल्ट्स में ही होती है हाइपर सिक्रीशन की वजह से एडल्ट्स में जो डिजीज होती है वो है एक्सोफ्थेलमिक गोइटर इस डिजीज के मेन सिम्टम्स हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है लगता है जैसे व्यक्ति अंदर ही अंदर अपने आप जल रहा हो ही फील्स हिमसेल्फ बर्निंग हिमसेल्फ बाकी सिम्टम्स हैं इसमें इंक्रीज नर्व एक्साइटेबिलिटी और फिजिकल एक्टिविटी के कारण वेट लॉस हो जाता है लगातार वजन गिरता रहता है और थकान भी बहुत जल्दी होती है हार्ट रेट पल्स रेट दोनों इंक्रीज हो जाती हैं साथ ही साथ इसके रेस्पिरेटरी रेट रेस्पिरेटरी रेट भी इंक्रीज हो जाती है इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से अत्यधिक पसीना निकलता है इस डिजीज का मेन जो लक्षण है वो है प्रोट्र्यूशन ऑफ द आई बॉल्स आई बॉल्स का बाहर की ओर निकलना जिसे हम कहते हैं आई बॉल प्रोट्यूशन प्रोट्र्यूशन ऐसा लगता है जैसा व्यक्ति हमें बड़े घूर कर देख रहा है आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो जाती हैं इस डिजीज का मेन लक्षण यही होता है प्रोट्यूरिंग आईज मेन रीजन क्या है इसका रीजन है एक्सेसिव टीएसएच की वजह से आईज की एक्सट्रेंसिक मसल्स का वीक हो जाना और साथ ही इंक्रीज्ड पोस्ट ऑर्बिटल प्रेशर हाइपर को ठीक किया जा सकता है कई तरीके हैं इसको ठीक करने के पहला तो है सर्जरी द्वारा थायराइड ग्लैंड को ही रिमूव कर देना या फिर इसको ट्रीट किया जा सकता है रेडियो एक्टिव आयोडीन के द्वारा या फिर एंटी थायराइड ड्रग्स द्वारा भी इसको ठीक किया जा सकता है कुछ एंटी थायराइड ड्रग्स हैं थो यूरेसिल प्रोफाइल थायो यूरेसिल कार्ब इमाजोल, यूरिया एक्सेट्रा ये देखिए यहां डायग्राम में इस तरह की आंखों को कहते हैं प्रोटूटिंग आईज या बल्जिंग आईज आंखें कितनी बाहर की ओर हमें आंखें घूरती हुई दिखाई दे रही हैं यह है, है लक्षण या सिम्टम ऑफ बल्जिंग आईज एक और हार्मोन सिक्रीट होता है थायराइड ग्लैंड के द्वारा वो है थायरो कैल्सिटोनिन थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला यह एक कैल्शियम लोवरिंग हार्मोन है जिसे हम कहते हैं थायरोकैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन इसका सिक्रीशन ब्लड सीरम में आयोनाइज्ड कैल्शियम का लेवल बढ़ने पर होता है यानी कि जब हमारे ब्लड सीरम में आयोनाइज्ड कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा तब इसका थायरोकैल्सिटोनिन का सिक्रीशन होगा यह हार्मोन ब्लड में कैल्शियम के लेवल का लोअरिंग तथा किडनी द्वारा कैल्शियम का एक्सक्रीशन इंक्रीज करता है ब्लड में ये कैल्शियम का लेवल कम करता है और किडनीज द्वारा इसका कैल्शियम का एक्सक्रीशन बढ़ाता है कंट्रोल ऑफ थिक्रेशन कैसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है थायराइड के सिक्रेशन को सबसे पहले रोल ऑफ एंटीरियर पिट्यूट्री एंटीरियर पिट्यूट्री कैसे हेल्प करता है थायराइड सिक्रेशन का कंट्रोल मेनली टीएसएच द्वारा होता है दूसरी और थायरोक्सिन का ट्रांसपोर्टेशन लेवल थायरोट्रोपिक हार्मोन को कंट्रोल करता है ब्लड में थायरोक्सिन का स्तर बढ़ने से टीएसएच का सिक्रीशन कम हो जाता है इस तरह अपने आप ही एंटीरियर पिट्यूटरी की हेल्प से थायराइड अपने सिक्रीशन को कंट्रोल करता है थायराइड के सिक्रेशन को कंट्रोल करने में हाइपोथैलेमस भी हेल्प करता है टीएसएच का सिक्रेशन हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम के द्वारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है किसके द्वारा किसके द्वारा कंट्रोल करता है हाइपोफीसियल पोर्टल सिस्टम के द्वारा इसके अलावा एनवायरमेंटल टेम्परेचर भी थायराइड सिक्रेशन को इफेक्ट करता है जैसे कि ठंडा वातावरण थायराइड का सिक्रीशन बढ़ाता है जबकि गर्म मौसम में सिक्रीशन कम होता है तो इस तरह से ये हीट कंट्रोल का भी एक अच्छा साधन होता है थैंक यू स्टूडेंट्स